जी बिल्कुल, मैं ये अपील सारियां नूं करना चाहांगी। तो जिवें सारियां नूं पता हैगा कि रोपड़ जिले के संबंधित हुण आ गए होला मोहल्ला भी आने जा रहा हैगा, तो असीं आ गए उस दे विच भी उचित प्रबंध करांगे कोरोना कोविड की गाइडलाइनस के मद्देनज़र। लेकिन फिर भी जिवें अपनी डिस्ट्रिक्ट दी भी गल करिए, सारियां नूं लगदा हैगा कि जे कोरोना हुण चला गया, इदां दी गल बिल्कुल नहीं हैगी। जेकर पिछले महीनों तो देखी सीधी इजाफा हो रहा हैगा, रोज़ाना जिहड़े हैगे पहले सिंगल डिजिट दे विच केस आंदे सीगे, हुण डबल डिजिट दे विच आन लगे ने। इह एक वरीसम कारण है, तो वापस लोगों नूं सजग होने की लोड़ हैगी, वापस सचेत होने की लोड़ हैगी। जिवें पहले असी लॉकडाउन के दौरान पूरे मास्क के तरीके नाल, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नाल असी पूरी लागू किया हैगा गाइडलाइनस नूं, उसी तरीके नाल दोबारा जन जागरण तो वह वापस सानू अपील है। तो नाल ही एक होर अज असी एक इसी मद्देनज़र एक आदेश भी जारी किया है कि जिन्हें भी समागम हुण होणगे जिले के, वो एक परमिशन जिहड़ा हैगा कंसर्न SDM तो लेना लाजमी होएगा। नाल ही जिहड़े भी ऑर्गनाइजर्स होणगे, जिहड़े भी वो सेवा समिति या जिहड़ी भी कमेटी है जिहड़ी करा रही हैगी, उसनों एक कोविड मोनीटर डिक्लेयर करना होएगा। जिहड़ा व्यक्ति या जिहड़े कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो डिक्लेयर किए जाण, जो उस गाइडलाइनस का उस समागम के पालन कराने के पूरा वह जिम्मेवार होंगे, उन्होंने उपर पूरी इसकी दारोमदार होएगा। और साथ ही उसकी वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स आफ्टर द प्रोग्राम वो SDM ऑफिस के सबमिट करेंगे कि उन्होंने समागम के कोविड गाइडलाइनस की पालना होती हैगी। ये असं इसलिए किया है क्योंकि कई बार ये देखने को मिल जाएगा कि सारे लगता है कि जी गवर्नमेंट के लेवल पर ही सारी गाइडलाइनस की कराई जाए तामीर, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होएगी तब तक असं कोरोना की महामारी तो हूँ तक जिम्मे जूझ रहे हैं, आगे भी जूझते रहा। बिल्कुल जी, असी लगातार जैसे डिस्ट्रिक्ट ऊना के नाल भी गल कर रहे हैं, बाकी होर डिस्ट्रिक्टां दे विच भी असी एक लैटर सारे DCs नूं अपील भी मैं की हैगी, लिख के लैटर कि अपने अपने सरपंचां नूं अपने अपने पिंडां दे विच जिहड़े भी लोग आते हैं, पहली तो गल जिथे वो ट्रॉलियां तो आते हैं या कितने ट्रक वगैरह के टैंपू करते आते हैं, वो ना कितने जाण बसां दे राहीं आए, क्योंकि असी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सोशल डिस्टेंसिंग वो मास्क वालों ही वधिया तरीके नाल करा सकते हैं। तो नाल ही होला मोहल्ला दे विच जिवें कि असी आगे भी अपील की है कि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा सजग हो गए लोगों ने मनाया सीगा, उसी तरीके नाल हुण वापस वो समा आ रहा हैगा। असी नहीं चाहते कि कोई भी अप्रिय घटना या फिर इस तरह का कोई यहाँ से स्प्रेड ओवर होए, इस करके लोड़ हैगी कि तुसी जेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जेकर तुसी आना ही है वैसे तो अपने घर दे विच ही रह के वो तुसी पूजा पाठ करो, तुसी वो याद रखो, क्योंकि सब तो पहले जरूरी है कि मनुख जो जीवन है उसनों बचाया जा सके। तो जेकर आना भी हैगा तो भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रखो, सैनिटाइजर का प्रयोग रखो, तो मास्क की वरतो जरूर जरूर। मास्क विदाउट मास्क चलान कर रही है पुलिस जी, कदम पब्लिक है वो कह रही है कि कदम पुलिस एकदम शुरू कर दी है, इस करके उन्होंने कई बार फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है, कोई इस तरह के आदेश जारी हो गए हैं कि विदाउट मास्क रेगुलर चलान किए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आदेश पहले तो जारी सके, ये असं कह सकते हैं कि असी थोड़ा सा पहले इलेक्शन के दौरान पुलिस का थोड़ा ध्यान इलेक्शन के बंदोबस्त हो गया, ता करके थोड़ी भीड़ लोगों के भी देखने मिली है कि बाजारों के भी लोग हम मास्क की बिल्कुल भी वरतों नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को दोबारा लागू करने वास्ते ये बहुत लाजमी है कि असं पुलिस राही तो होर सारी अपील राही असं दोबारा लोगों को अपील करें कि मास्क की वरतों जरूर करो, और ये चलान थोड़े लिए है, असं नहीं चाहते कि चलान करिए, लेकिन फिर भी जेकर बार बार समझाने तो बावजूद बंदा नहीं मन रहा है तो सानू कुछ ना कुछ एक्शन जरूर।